मनोरंजन जी, आपकी और मेरी आयु एक जैसी है तकरीबन, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली. मेरी पैदाइश जुलाई में, आप कौन से महीने की है बताएं. मेरे माँ बाप तो पढ़े लिखे थे नहीं, उनको मालूम ही नहीं था कि महीना कौन सा है और साल सब भूल गए थे. साल कौन सा है सब भूल गए थे. राइट. उस जमाने में तो लोग इस तरह कहते थे कि वो जिस साल बाढ़ आया था, जिस साल आम बहुत आए थे, उस साल में पैदा हुए थे. तो लेकिन 1950 की है ही पैदाइश आपकी. मेरी, मैं ऐसा मानता हूँ. और मेरी शादी को 37 साल हो गए हैं. मेरी पत्नी मुझे कल याद दिला रही थी. आपकी शादी को कितने साल? बस उतने ही, मान लीजिए. बहुत कुछ कॉमन है. आपकी किताब मैंने पढ़ी, बहुत मैं प्रभावित हुआ आपकी किताब से. जो जिस सरलता से और सीधेपन से आपने ये किताब लिखी है, मैं बहुत ही अच्छी लगी. कहानी तो खैर ऐसी है कि मैं उसको रख ही नहीं सका. मैंने रात को पढ़नी शुरू की और मैं पढ़ता गया बिल्कुल आखिर तक, और एक दिन बाद मैंने दोबारा पूरी की पूरी किताब पढ़ी. और जो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे पता चली कि आपने लिखना पढ़ना बहुत देर से सीखा. ज़्यादातर लोगों को शर्मिंदगी होती है इस बात की, लेकिन आपको तो गर्व है कि इतने मुश्किल हालात में. तो उसके बारे में कुछ बताएं कि ये कैसे हुआ. मेरा किस्मत अच्छा था कि मैं कुछ अच्छे लोगों से मिल पाया था. तो इसके लिए मैं पढ़े लिखे तो थे नहीं, लेकिन देश दुनिया के बारे में, यहाँ तक कि राजनीति के बारे में भी मेरा काफ़ी जानकारी था. जब तक हम पढ़े लिखे थे नहीं, तब तक हम रशिया, चीन, लेनिन, मार्क्स, इन सब के बारे में हम जान चुके थे. अच्छा. आप बैंक में 100 रुपया डालेंगे तब तो उसका 105 रुपया सूद होगा. तो इन देश, इन समाज, इन मनुष्यों ने अगर हमको कुछ प्यार, मोहब्बत, सहायता दिया होता तो हम भी उसको वापस करते. तो किसी ने तो दिया नहीं, समाज ने दिया नहीं, इंसानों ने दिया नहीं, तो हम भी उनको वो रिटर्न नहीं कर पाए. वो जो हमको दिया, हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार, उसको हमने रिटर्न किया. उसको हमारे निगाह में था कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन हमको समाज विरोधी कहा जाता था. तो उस तरह उसके लिए हमको जेल जाना पड़ा था. वो तो आप जब नक्सलिज्म, जब आप नियोगी साहब से मिल चुके थे. नियोगी जी से बाद में मिले. बाद में मिले. पहले तो जेल से आने, छूटने के बाद. छूटने के बाद. अच्छा. पहले तो नक्सलाइट लोगों के साथ हम मिले, लेकिन नक्सलाइट होने के लिए, क्रांतिकारी होने के लिए उनको सोच में जो परिपक्वता होना चाहिए था, मेरे पास तो था नहीं. क्योंकि मैं तो पढ़े लिखे नहीं थे. मेरे पास गुस्सा बहुत था. इन व्यवस्था को मैं बदलना चाहते थे, क्योंकि व्यवस्था हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए जीना दुभर कर देते हैं. तो ये समाज को बदलना पड़ेगा. लेकिन बदलने के लिए जो एक वैज्ञानिक तरीका होता है, जो मार्क्स साहब ने लिख के गया है, वो उस बारे में तो हमको जानकारी था ही नहीं. इसके लिए हमारे पैर जो है कभी कभी फिसल जाया करता था, सही दिशा में जा नहीं रहा था. तो एक गुंडा के रूप में मान लीजिए हमारे पहचान बन गया था. तो हमको जेल जाना पड़ा. नक्सलाइट लोगों के साथ हमारे पहले जान पहचान थे, बाहर में भी, और अंदर में जाके भी तो हमारे जान पहचान हुआ. अरेस्ट आपको किस बेसिस पे किया गया था? बम फेंकना. अच्छा. किसी का जान से मार देने का प्रयास करना. अच्छा. ये सब था. ये सारे काम किए थे आपने? अभी कैमरे के सामने मैं कैसे बोलूं. पुलिस ने जब पकड़ा तो पूजा पाठ तो नहीं किए. नहीं, एक और बात जो मैं पूछना चाह रहा था, आपने ये कहा कि पढ़ने लिखने सीखने से पहले भी मैं दुनिया की व्यवस्था, मार्क्स लेनिन वगैरह के बारे में उनसे परिचित था. ये कैसे हुआ? मैं रिक्शा चलाया करता था. तो उस समय जो, अभी तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन उस समय सब वो तमाम जो यूनिवर्सिटी के लड़के लोग इकट्ठा हुआ करते थे, एक जगह बैठ के गप लड़ाते थे, तो हम उस सब सुनते थे. अच्छा लगता था उन सब की बात, क्योंकि वो एक समाज बदलने की बात कर रहा है. वो जिन व्यवस्था को लाने को बात कर रहा है, वो मैं सोच रहा था कि ये कि वो बहुत अच्छा एक व्यवस्था है, जहाँ कोई छोटा होगा नहीं, कोई बड़ा होगा नहीं, हर एक के पास खाने का साधन होगा, हर एक को बराबरी का इज्जत मिलेगा, रहने का मकान मिलेगा. हम जैसे लोग जो फुटपाथ में सोए हुए रहते हैं, ऐसा किसी को रहना नहीं पड़ेगा. तो वो बात हमको बहुत अच्छा लगता था. आपका इकबाल फिल्म हमने देखा. एक आपका जैसे एक जेल में, आपको हम सामने दिख रहा, आप उसमें अभिनय किए, लेकिन आपका ही एकदम हुबहू आप जैसे एक व्यक्ति हमको जेल में मिल गया था. जो हमको देखे,
हमसे उनको क्या दिल का लगाव हो गया पता नहीं। वो बोला बेटा तेरे बाहर में कौन कौन है। हमने कहा है तो माँ बाप है सभी कोई लेकिन बहुत ही गरीब। बोला तेरे को जो केस डाला अब तो तू 10 साल सरना पड़ेगा जेल में, तू तो बाहर नहीं निकल सकता, तो ये जो समय है इसको तू मत गवा, क्योंकि जेल में जो लिखाई पढ़ी जानता है वो राइटर का काम करता है, चिट्ठियां लिखना किसी को कोर्ट भेजना है, कोई कोर्ट से आया वो सब लिखता है, थोड़ी बहुत लिखाई पढ़ी जो जानता है वो करता है, और जो नहीं जानता है वो उसको तो डैग ढूंढना पड़ता है, बहुत मेहनती काम है। तो बोले बेटा तू अगर ये थोड़ा सा सीख लेगा ना तो तू राइटर बन जाएगा। तो सीखने के लिखाई पढ़ी सीखने के लिए तो कागज़ पेन वगैरह चाहिए, वो तो कुछ था नहीं। हमने कहा कैसे सीखेंगे। बोला इच्छा होना जरूरी है, सीखना चाहता है। बोला हाँ बोला ठीक है कल सुबह तैयार रहना। तो उन्होंने वो दातन टाइप का एक लकड़ी का कुटका तोड़ के लाए और जेल का आंगन को दिखाए। बोले ये तेरा सिलेट है और ये पेंसिल है लिख, और मेरा मैं तेरा जीता जागता पुस्तक हूँ, तो आप जैसे एक महान हस्ती हमको जेल में मिले और उन्होंने हमको लिखना पढ़ना सिखाए थे, और जेल का राइटर बनने के लिए ही हमने अक्षर सीखे। लेकिन आके क्या किस्मत, बाहर का राइटर बन गया, जेल का तो नहीं बन पाया। लेकिन किताबें तो आपने कितनी 20 लिखी हैं? 16-17। एक तो पुस्तक पढ़ने का एक नशा लेके आए थे, बाहर में आकर के भी वो हम छोड़ नहीं पा रहे थे। ये कहानी भी आपने सुना होगा जो मेरे रिक्शा में महाश्वेता देवी तो उनसे हम जीजी विशा सरकार तो उनसे बातचीत हुई होने लगी आपकी, वो बैठी थी आपकी रिक्शा में। हाँ तो उनसे बातचीत कैसे शुरू हुई? वही हुआ कि एक पुस्तक हमने पढ़े उसमें जीजी विशा, तो उनसे हमने पूछा कि ये जीजी विशा शब्द का अर्थ क्या है। आपने पहचान लिया उनको? नहीं नहीं। अच्छा वो एक ज्योतिष राय कॉलेज से पढ़ करके मैंने पढ़ाते हैं, तो वहीं से उन्होंने निकले रिक्शा में सवारी हुए। तो ऐसे हम लोग के रिक्शा में कभी कभार चढ़ते हैं वहाँ के टीचर लोग अध्यापक लोग जो सब, तो इसी हम जाने कि ये तो अध्यापिका है तो इसका अर्थ बता सकते हैं। तो वो तभी हमने उनसे पूछे, लेकिन वो महाश्वेता देवी है हम नहीं जानते थे। तो वो उन्होंने पूछा कि ये सब तेरे को कहाँ से मिला। हम बोला एक पुस्तक से मिला। तो बोले तू पढ़ा लिखा कितना दूर। हम बोला हमने तो कभी पढ़ाई लिखाई किया नहीं तो कैसे पुस्तक पढ़ लेते हैं। हम बोला ऐसे ही हम सीखे हैं। तो कौन सा पुस्तक पढ़ा? तो हम 8-10 पुस्तक का नाम ले लिए जिसमें 4-5 उनका था। इसके पीछे रीजन यही था कि जेल में तो हम महाश्वेता देवी के बारे में बहुत ज़्यादा सुने थे, क्योंकि उनका 1084 माँ वो पुस्तक उस समय बहुत फेमस हुए थे, नक्सल लड़के के ऊपर में ही लिखा गया था। फिर बाहर में जब आए तो उनका बहुत सारे हम पुस्तक मांग मूंग के किसी किसी से पढ़ लिए थे, तो उनके पुस्तक भी 4-6 का नाम हमने ले लिया। तब जब रिक्शा से उन्होंने उतरे हंसे पीछे पर, तो रिक्शा से जब उतरे तो बोले हमारी एक पत्रिका निकलता है उसमें तेरे जैसे लोग लिखते हैं, कम लिखे पढ़े लोग, तू लिखे क्या? बोला अब तक तो हमने कभी कुछ लिखा नहीं, पढ़ा बहुत लेकिन लिखा नहीं। तो बोला अब लिख। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये सारे काम करते वक्त कभी नाउम्मीदी जैसा कुछ लगा आपको कि क्या मैं इसीलिए पैदा हुआ था ये करने के लिए, या मेरे जीवन में कुछ और उद्देश्य भी है? नहीं वैसा तो मेरे जीवन में कुछ उद्देश्य है ऐसा नहीं लगा। नहीं ऐसा नहीं। जीना ही हमारे लिए बहुत बड़ा उद्देश्य था। आज तो जिंदा हूँ काल कैसे जीऊँगा ये, लेकिन जब थोड़ा सोच में थोड़ा विस्तार हुआ तो देखिए जी हमको तो मरना ही है, जिस तरह जीवन हम जी रहे हैं ज़्यादा दिन तो जिएंगे नहीं, लेकिन ये जो व्यवस्था जो है हमारे ऊपर थोपा गया है इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। हमारे ज़िंदगी जो दुखी है इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, किसी ने हमको दुखी बना दिया है। तो वो जिन्होंने बनाया जिन व्यवस्था बनाया उन व्यवस्था के खिलाफ तो लड़ना पड़ेगा। तो या तो हम बंदूक से लड़े, या तो हम पेन से लड़े, या तो हम जवान से लड़े, मतलब लड़ना ही है उसके खिलाफ। कास्ट सिस्टम वाला जो मामला है आपके क्रोध में इसका भी डेफिनेटली कुछ हिस्सा होगा। इस बात का एहसास आपको बचपन से था? बचपन से था क्योंकि बचपन में जब हम गायला बैल चराने थे वो एक ब्राह्मण के घर में हम चराते थे। वो हम देखते थे कि एक टूटा फूटा बर्तन में खाना दिया करता था, ऊपर से ऐसे डालता था
माँ भी तो हमको खाना परोसता है, हमारे गांव के लोग भी तो हमको खाना परोसा, कभी कभार हम तो खाए, लेकिन उनके घर में जब कहते थे ऊपर से ऐसे ताकि छू ना, हाथ में हाथ में, वो तो परछाई पड़ जाए तो फिर वो गंदा, दाल ऐसे डाला कि आँख में चला गया, तब फिर पता चला कि ये ब्राह्मण है और हम ये आप कितनी उम्र के थे तब? 10-12 साल, 10-12 हाँ। उसके बाद में तो और क्या बताया गया आपको कि ये ब्राह्मण है तो ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये ऊंचे हैं, ऊंचे जाति के, हम उन तक नहीं पहुंच सकते, हमें सोचना भी नहीं चाहिए। और फिर बाद में जब देखते गए, हम बड़े बड़े होते, थोड़े बहुत बड़े होते गए, तो देखे कि हमारे जैसे ही वो जान गए कि हम चंडाल है, हम नमशूद्र हैं, तो हमसे थोड़ा दूरिया बना के रख रहे थे वो लोग। लेकिन हमारे वामपंथी जो आंदोलन का समय जो था, वामपंथी जो कार्यकर्ता लोग, वो तो एक साथ हम मिलजुल के रहे, हमने बीड़ी पी के दिए, वो पिए, वो तो, लेकिन वो आंदोलन जब थप गया फिर दोबारा वही फिर छुआछूत आने लगा, आज भी वही कुछ देखने को। बिल्कुल, अभी तो वो राज कर रहा है और ये तो और बढ़ेगा, मुझे डर है। तो हमको बोला जा रहा है कि आप हिंदू हो और हमको उस मंदिर में घुसने नहीं दिया जाएगा जो हिंदू का देवता है। देवता में उतना, देवता को हम छुएंगे तो देवता अशुद्ध हो जाएगा, हाँ। हम छूने के बाद में हम शुद्ध नहीं बन सकते, माने देवता से भी हम बड़े हो गए। तो हमने जाना कि ये जो धर्म है ये हमारे लिए नहीं, हमारे लिए नहीं है, तो इसके खिलाफ हमको बोलना ही चाहिए, हम बोलते गए। आपकी किताब जो है, लेकिन हमारे ऐसा लगता है हमारे पूरे देश का एक वो है, एक मिनिएचर पेंटिंग, एक संक्षिप्त और संपूर्ण तस्वीर, सारे जो इंसिडेंट्स होते हैं, वाकये जो होते हैं और जितने कैरेक्टर्स हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको मालूम नहीं कि अच्छा है या बुरा, ये बिल्कुल एक मुझे तो एक हमारे देश की तस्वीर लगी। मुझे मालूम नहीं कि आपका ये इरादा था कि नहीं ये किताब लिखते वक्त, कि एक सिंबल की तरह ये सारी बातें, मैंने सिर्फ इसको एक थ्रिलर, एक बहुत ही थ्रिलिंग किताब है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो सारे इंसिडेंट्स होते हैं बहुत ही एक्साइटिंग है। मुझे कोई हैरत नहीं होगी अगर कल बॉलीवुड वाले आपके पीछे पड़ जाएं कि हमें इसकी फिल्म बनानी है, बनाने मत दीजिएगा। अगर आप जैसे कोई महान अभिनेता आए और बोले इस कैरेक्टर को हम करेंगे, तब तो हाँ, तो मुझे अकेले से तो नहीं होगा ना। आप तो नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप एक तो आप कह रहे हैं कि इन सारे कैरेक्टर्स को आपने देखा है, उनमें से कई जो हैं ऐसे भी होंगे जो आप, जिनके साथ आपका वास्ता पड़ा है जिंदगी में भी, तो क्या ये आपका उद्देश्य था कि देश की एक संक्षिप्त तस्वीर भी बन रही है इस, नहीं, इन उतना हम सोचे नहीं। हमने सोचा कि हमारा एक सामाजिक दायित्व है, हमने सोचा जेल के अंदर तो हर लोग जा नहीं सकते, बहुत सारे लोग जाते हैं लेकिन वो लिख नहीं सकते, जो लोग लिख सकते थे उसमें से बहुत सारे लोग अब जिंदा नहीं है, हम जिंदा बच गए, तो जिनको हम जेल में देखे उनको जैसे देखे उसका एक चित्रण किया जाए। एनीवे, आप मुझे इस पुस्तक पे हस्ताक्षर करके मेरे नाम से ये मुझे आप प्रेजेंट कर दीजिए प्लीज। हमको जिंदगी ने कुछ नहीं दिया, धोखा के सिवा कुछ नहीं दिया, बहुत दुखी थे, लेकिन आज मैं मान रहा हूँ कि नहीं, जिंदगी हमको हर चीज़ धोखा नहीं दिया। इतने बड़े महान अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, तब से इनको हम जानते, इन गुस्से व्यक्तियों को हम जानते, मैंने आज भी, अभी भी हमको लग रहा, महाशय देवी से जिस दिन मुलाकात हुआ था वो लग रहा था सपना है, और आज भी लग रहा ये सपना है,